जीवन में जहां हमें बहुत सी खुशियां मिलती हैं, तो दुख भी मिलता है। सुख और दुख जीवन के दो अहम पहलू हैं। जब हम सुखी होते हैं तब हम अपनी खुशियों को अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों और अपनों के साथ बांटते हैं, और जब हमारे जीवन में बुरा दौर आता है तो उस वक्त बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारा साथ देने के लिए आते हैं, हमें बुरे दौर से निकालते हैं। और दोस्तों, उस समय हमें यह एहसास होता है कौन इंसान अपना है और कौन पराया। दोस्तों, चाणक्य नीति में बताया गया है कौन से हालात हैं जो हमें यह बताते हैं कौन सा इंसान हमारे लिए अच्छा करता है और कौन इंसान बुरा करता है। दोस्तों, यह बात सच है कि सुख में तो हर कोई मजे लेने के लिए आपके साथ आ जाएगा, पर बुरे समय में चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो आपका साथ देते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने उस जमाने में यह बात कही थी जब चाणक्य जी अपना जीवन व्यापन करते थे, लेकिन उनकी यह बात आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी तब थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताई गई वो 6 बातें बताएंगे जो कि हमें अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कराती हैं। चाणक्य जी कहते हैं, हमारा शरीर वो शक्ति है जिसके माध्यम से कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये शरीर ही है जब हम छोटे से लेकर बड़े काम पूरे कर सकते हैं, लेकिन कई बार जैसे मशीन खराब हो जाती है उसी तरह हम भी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे समय में अपना ख्याल रखकर और बीमारी से लड़कर हम खुद को फिर से फिट रख पाते हैं। जब हमारी फैमिली में कोई पर्सन या हम खुद बीमार पड़ जाते हैं उस समय हमें ऐसे सहारे की जरूरत पड़ती है जो हमें उस बीमारी से लड़ने में मदद करे और हमारा ख्याल रखे। दोस्तों, ये एक ऐसा समय होता है जब हमें हमारे हित चाहने वाले और मतलबी लोगों का पता चलता है। अगर आपका दोस्त या आपका परिजन आपको बीमारी के वक्त मिलने आता है तो समझ जाएं कि वे आपका सच्चा साथी है। मगर आपका कोई खास दोस्त या परिजन आपकी बीमारी के वक्त आपके पास ना आए तो ये साबित करता है कि वो आपका हितकारी नहीं है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हमें कई बार अपनी लाइफ में दुख दर्द को फेस करना पड़ता है। ऐसे मौके आते हैं जब हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि मानो सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, कई बार हमें भयंकर चोट लग जाती है जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और दर्द भी होता है। दोस्तों, वहीं बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप का टूट जाना, बिजनेस में नुकसान हो जाना, यह एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। दोस्तों, ऐसे मौके पर अगर आपको कोई इंसान मिल जाए और आपको बुरे दौर से बाहर निकाले तब आप फिर से मजबूत हो जाते हैं, फिर से आप उन चीजों को पा सकते हैं जो आपके पास नहीं है। ऐसे बुरे वक्त में अगर कोई आपका साथ देता है तो वो आपका हित चाहने वाला होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बुरे वक्त में किन लोगों ने आपकी सहायता की, और ऐसे लोगों को जब आपकी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप भी उनकी हेल्प जरूर करें। दोस्तों, ये जीवन कभी भी समान रूप से नहीं चलता, हमेशा यह ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी माना आपकी लाइफ में बहुत ही पैसा है, बहुत दौलत है, तो 20 सालों बाद यह छीन भी सकता है। आप अमीरी से गरीबी में आ भी सकते हैं, और ये कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ भी। अगर आप अभी गरीब हो तो आपको इस गरीबी से उभरने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ऐसे मौके पर जो लोग आपकी हेल्प करते हैं वो आपके अपने ही होते हैं। रिश्तेदारों में और सोसाइटी में आपकी जान पहचान बहुत से लोगों से होती है, पर उनमें से हर कोई आपको इस गरीबी से दूर करने में सहायता नहीं करेगा बल्कि आपसे दूर ही जाने लगेगा। दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं और इस गरीबी में कई बार आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए दोस्तों, गरीबी के दौर में हमेशा ये ध्यान रखें कि वो लोग कौन थे जिन्होंने आपकी हेल्प की, और उनका एहसान कभी ना भूलें, उनके जरूरत के वक्त पर हमेशा उनकी मदद करें। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आपको कोई दुश्मन या इंसान तंग कर रहा हो तो उसका सामना करने के लिए आपके साथ कितने लोग हैं, ये आपके सच्चे साथियों की पहचान कराता है। दोस्तों, बहुत बार जाने अनजाने में हमारे पास कई मुसीबतें आ जाती हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। ऐसे मौके पर हमारे शुभ चिंतक ही हमारा साथ देते हैं। ये मुसीबतें हमें हमारे शुभ चिंतकों के बारे में बताती हैं। दोस्तों, मुसीबत के वक्त हमेशा सच्चे यार ही काम आते हैं, और जो मौज मस्ती के लिए हमारे साथ रहते हैं ऐसे मौकों पर वो लोग किनारा कर लेते हैं और सिर्फ तमाशा देखते हैं। ऐसे लोगों की पहचान होने पर उनसे एक बार कट रहना
करना शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति आपके मुश्किल समय में आपके साथ ना हो, ऐसे मित्र या परिजन की जरूरत ही क्या है। दोस्तों कम दोस्त या रिश्तेदार हों, पर ऐसे हों जो हमेशा आपकी मदद करें और आपके साथ खड़े हों। दोस्तों हम सबका जिस तरह से एक परिवार होता है, उसी तरह से सभी के रिश्तेदार भी होते हैं। सभी लोग अपने परिवार के बड़े फैसलों अपने रिश्तेदारों और संबंधियों से बात करके ही लेते हैं। दोस्तों हमारे परिजन हमें हर उस सिचुएशन में सही राह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। माना हमें अपने परिवार में किसी लड़की की शादी करनी होती है, तो उसे हम अपने बड़ों से और अपने परिजनों से उस रिश्ते के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ऐसे ही कई गंभीर और बड़े मामलों में अपने परिजनों के साथ सलाह लेना ठीक होता है, पर सभी लोग हमें सही सलाह नहीं देते। वही लोग हमें सही सलाह देते हैं जो हमें सही मायने में अपना मानते हैं। बाकी लोग उस विषय की गंभीरता को देखे बिना ही कुछ भी सलाह दे देते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों की सलाह हमारे ऊपर कई बार भारी पड़ जाती है। इसलिए ऐसे मौकों पर हमें उन लोगों के बारे में पता लग जाता है जो सिर्फ दिखावे के लिए अपने होते हैं। दोस्तों वैसे तो परिवार में किसी की मृत्यु के समय सभी परिजन और साथी हमारा साथ देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी साथी और रिश्तेदार होते हैं जिनका ऐसे मौकों पर भी अता पता नहीं होता। ऐसे लोग काम का बहाना बनाकर या कोई बड़ा रीजन देकर ऐसे नाजुक मौकों पर भी हमारे साथ नहीं आते। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ अपना काम और अपना पैसा ही मायने रखता है। दोस्तों भला ऐसे रिश्तेदारों और दोस्तों का क्या फायदा। ऐसे समय पर आप उन लोगों को जरूर नजरों में रखो जो ऐसे मौकों पर हमारे साथ नहीं होते। जब आप इस घटना से उभर जाते हो तब ऐसे रिश्तेदारों को खुद से दूर रखो और गहरा रिश्ता ना जोड़ो। खुद आप कितने भी बड़े काम को क्यों ना कर रहे हो, पर जो आपसे इन नाजुक मौकों पर वहाँ मौजूद होने की उम्मीद करते हैं उसके साथ जरूर रहें। दोस्तों आप अपनी लाइफ की इन 6 स्टेजों पर कभी भी गुजरो तो अपने सच्चे साथियों और पराए साथियों को जरूर नोट करें। दोस्तों ये जरूर देखें कि कौन आपका ऐसे मौकों पर साथ देता है और कौन सिर्फ अच्छे समय पर आपका साथ देता है। दोस्तों याद रखें कि बुरे वक्त में जो लोग आपके साथ होते हैं वो सच्चे शुभचिंतक होते हैं, बाकी तो सिर्फ खुशियों में आने वाले स्वार्थी होते हैं। दोस्तों यदि आपके किसी परिजन या रिश्तेदार के साथ ऐसा कोई बुरा दौर या घटना चल रही है तो उसका एक सच्चा साथी बनकर जितना हो सके अपनी तरफ से हेल्प करें। उनके बुरे दौर में अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों आपका कोई सच्चा साथी या रिश्तेदार गरीब हो तो उसकी सहायता जरूर करें। यही सहायता आपको बुरे वक्त में साथ देगी। और कहते हैं दोस्तों जैसा आप दूसरों के लिए करते हैं वैसा ही आपको बदले में मिलता है। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।